आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जब एक इंसान आसमान में देखता है, सितारों को देखता है, तो उसके मन में एक चीज आती है कि जैसे उसकी चमक है वैसी मेरी किस्मत की चमक होए, वैसे मेरी चमक होए। लेकिन हर एक इंसान के किस्मत में वो चीज नहीं है। क्यों नहीं है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन से ग्रह को उठाने से कहते हैं ना किस्मत चमकेगी, उस पोजिशन में पहुंचोगे, कहते हैं ना ऊंचा झंडा रहे हमारा, कंपनी जो उस टॉप पे है वो क्यों है। और अगर हमारी कंपनी, अगर हमारा नाम उस कहते ना पोजीशन में नहीं है, तो कौन से ऐसे ग्रह को चमकाने से बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जानेंगे हम इस वीडियो में, जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास चलो। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना बड़े सारे कमेंट्स पढ़े थे, है ना, और अलग अलग लोगों की जो भी समस्या आती है उसको मैं अच्छे से पढ़ती हूँ। मैंने एक वीडियो पिन करी है जो कुछ टाइम पहले डाली थी। मैं कहती हूँ अगर उस चीज़ को रेगुलरली आपने कर लिया तो ऐसी कोई दशा, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। वो मैंने वीडियो पिन करती है, उसको ज़रूर देखना, उसको ज़रूर देखना और रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दो। कहती है ना 30-40 दिन के अंदर अंदर फर्क आना दिखना शुरू हो जाएगा, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और एक और चीज, कितने लोग कमेंट करते हैं, है ना, कि ये मेरी डीपी लगाई हुई है और व्हाट्सअप करें। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ना, बाकी उपाय, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल देती हैं, उपाय बताओ। ओके, रीड माय चार्ट, व्हाट इज दिस, आई हैव माय कंसल्टेशन फीस, यू पे मी कंसल्टेशन फीस, यू टेक कंसल्टेशन फ्री में, उपाय व्हाट्सएप ना करे कि इसका उपाय बताओ, डेट ऑफ बर्थ बता दो, ये उपाय बताओ, वो उपाय बताओ, ऐसे नहीं होता पाशा लोगों। जब मैं आपकी तरक्की चाहती हूँ, आपकी तरक्की कैसे होगी, जब आप जो काम कर रहे हो उसका एनर्जी एक्सचेंज आपको मिलेगा, है ना। जिनके केमिस्ट है, मैं बोलती हूँ फ्री दवाइयाँ ही तो दे रहे हो, इंसान को ठीक कर रहे हो, बीमार को ठीक कर रहे हो, फ्री में क्यों नहीं कर देते। डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ भला कर रहे हो, जब उनके लिए नहीं तो मेरे लिए क्यों, सीधी बात है। अच्छा लगे बुरा लगे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना पाशा लोगों। इतनी वैसी उल्टी सीधी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, तू ऐसी है, तू वैसी है, वीडियो में क्या दिखाती है, जय छोड़ो परे, मेरे को ना फ़र्क पड़ता। मैं अपना कहते हैं ना अपनी जान लगाती हूँ, लगाती रहूँगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। पाखंड की दुकानों से बचाती रहूँगी, 2.5 लाख पूजा, 2 लाख पूजा, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं क्या प्यार मुँह देखेगा, बिल्कुल ऐसे गंदे काम घिनौने ना कभी करे हैं ना मैं कभी करूँगी, ये पक्का वादा है मेरा। अब सबसे पहली चीज़, जब हम केतु के बारे में बात करते हैं, केतु एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह के साथ मिल गया उसकी जो क्वालिटी है वो ले लेगा। जैसे कि अगर वो सूर्य के साथ मिल गया तो कहते ना आग बन जाता है, मंगल के साथ मिल गया तो पीड़ा देने वाला बन जाता है, चंद्र के साथ मिल गया तो चंचल बन जाता है। चंचल बोले तो कहते हैं ना, लोग बच्चों का देखोगे जिनका चंद्र केतु की युति है, कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेंट्रेशन लग नहीं पाता, जिंदगी में भटकनी लगती रहती है, क्योंकि उनका मन भटकता रहता है, सीधी सी बात है। बुध के साथ जब मिल जाता है, वो कहते ना एक इंसान राइट डिसीजंस नहीं ले पाता, और कहती है ना जब राइट डिसीजन लेने का टाइम आता है तो बेपंदे के लोटे जैसे उलट जाता है, अपने को भी कहती है ना बर्बाद कर छोड़ता है, अपने घर वालों को भी बर्बाद करके छोड़ता है। केतु और जो बृहस्पति होता है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लेकिन शर्त है कि अगर सातवें घर में हो गया तो कहीं ना कहीं पार्टनर का जो सुख है, पार्टनर के साथ जो अटैचमेंट है, वो कहीं ना कहीं देने नहीं देगा। अगर केतु जो है, कौन सा ग्रह बचा, क्या कहती हैं, शनि के साथ हो गया, जो लोग देखे हैं ज्यादा लोगों के से घुल मिल नहीं सकते, कहते ना जहां उनको घुलने मिलने के लिए बोलोगे तो कहीं ना कहीं कहते ना अपने को अकेलेपन में डालेंगे, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी कि वो अकेलेपन में जाते जाएंगे, क्योंकि जो शनि है वो एकांतवासी है ना। तभी अगर आप देखोगे सूर्य केतु हो गया, सूर्य शनि हो गया, सेम
टाइप की वो कहते हैं ना क्वालिटी को उत्पन्न करेगा, सीधी सी बात है, है ना। अगर शुक्र केतु के साथ हो गया, अगर कुछ घरों में अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, अगर कुछ घरों नेगेटिव अगर होकर बैठ गया तो कहते ना वैवाहिक सुख कभी देने नहीं देगा, बच्चों का सुख कभी देने नहीं देगा, जिंदगी में भटकनी कहीं ना कहीं कम नहीं होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस कहीं ना कहीं ये बढ़ा देता है, सिचुएशनें बहुत बनती है। देखो फिर वही बात आ गई है ना, जब पांचवा घर आठवा घर बारहवा घर कहीं ना कहीं संबंध बनाता है तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के टुवर्ड्स जाता है, फैक्ट बात है, फैक्ट बात है, ओपन चैलेंज है। अगर दो से ज्यादा ग्रह में ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, ये जो कॉम्बिनेशन होता है पांचवा घर आठवा घर बारहवा घर, वो जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है स्कैंडलस अफेयर, स्कैंडलस अफेयर का, आप समझे मेरी बात को। और कई बार ये बैंक्रप्सी का भी कॉम्बिनेशन होता है, आप समझे। तो बट एनी विच वेज आज हमने केतु के बारे में बात करनी है, उन कॉम्बिनेशनों को भी बहुत जल्दी मैं लेने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। अब अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, कितनी बार कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, अगर केतु अच्छा हो जाए वो अपनी राइट डिसीजन लेकर, कहते हैं ना जो हमारे ब्रेन में एक होता है काउडेड न्यूक्लियस जो राहु को प्रभावित करता है, काउडेड न्यूक्लियस टेल वो केतु को प्रभावित करता है, ऐसे लोग कहते हैं ना कमियां निकालते जाते माहौल में, जिसकी वजह से अपने भी बैड डिसीजन लेने की वजह से अपने को बर्बाद करते हैं और उसकी वजह से उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। केतु अगर पॉजिटिव हो गया, वो कहते हैं ना कंपनी का जो लोगो है ऊंचा रहे झंडा हमारा, वो ऊंचा झंडा कौन है, केतु है। कंपनी की कंपनी आज उस पोजीशन में है, टॉप की पोजीशन में, वो टॉप की पोजीशन कौन है, केतु है। तो अगर केतु को हमने अपने फेवर में कर दिया पाशा लोगो, तो कहते हैं ना आपकी जो रफ्तार होएगी उसको रोक नहीं सकते आप, सीधी सी बात है। अब क्या करोगे, मैं चाहती हूं, एक तो आपको पता है मैंने पहले भी एक चीज बताई थी, अगर ये सारे सिम्टम हो रहे हैं कहीं ना कहीं खराबी आ रही है, भटकनी बहुत ज्यादा लगे जा रही है, कहते ना घर के भंडारे खाली होते चले जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा अब करे तो करे क्या, सीधी बात है। एक तो तीन केले डेली मंदिर में आपने देना है, तीन केले आपने डेली मंदिर में देना है। अगर तो कहती है ना 43 डेज तक या तो थर्सडे से शुरू कर लो या तो सैटरडे से शुरू कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं, है ना। अगर कोर्ट कचहरी के मसले भी सर पे बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि शनि केतु जो होता है हमेशा समझाए, चाहे शनि राहु हो गया शनि केतु हो गया, कोर्ट कचहरी के मसले हॉस्पिटलों के चक्कर, इसका काम ही है ये चीज करना। अगर तो पाल सकते हो एक काला कुत्ता अपने घर पे पाल लो, दो रंग के कुत्ता नहीं होना चाहिए, जो दो रंग जैसे ब्लैक और व्हाइट होता है वो नहीं, एक रंग का कुत्ता अपने घर पे पाल तो बेहतरीन वैसे काम करेगा। और 900 ग्राम काले तिल, या तो 400 ग्राम काले तिल या तो 900 ग्राम काले तिल जो होते हैं वो आपने जल प्रवाह करना है। जितनी भी खराबी केतु की आ रही है, आप देखोगे कुछ ही टाइम में आपको इतना ज्यादा फर्क देखेगा जिसकी कोई हद बात नहीं, ये मेरा पक्का वादा है। एक और चीज आपको बताती हूँ, बेहतरीन वैसे काम करेगा। कहते हैं ना अगर अकेलेपन में पड़े जा रही हो और समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, आपने क्या करना है, एक जो सूती धागा होता है, जो माई है जो बहुत ज्यादा परेशान है कि हमारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अकेलेपन में जाए जा रहे, उसके कोई दोस्त यार नहीं बनते और सब लोग उसका मजाक उड़ाती है ड्यू टू एनी रीजन सिचुएशनें बनती हैं, कब समझोगे। वो तो प्लेनेट ऐसा है जो उस चीज को अकेलेपन में डाल रहा है, तो हम दूसरों को क्या कोसे। बट चलो एनी विच वेज, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं चाहे जो मर्जी कोई चिंता वाली बात नहीं, इतना जबरदस्त वैसे काम करेगा। आपने पीला सूती धागा एक ले लेना है, थर्सडे को बांधना अपने हाथ में, उसको बेशक हल्दी से पीला कर दो, है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, ओम केम केतवे नमः एक गांठ बांधी, ओम केम केतवे नमः दूसरी गांठ, ओम केम केतवे नमः तीसरी गांठ, करते करते 108 गांठें उसके ऊपर बांध के अपने राइट हैंड में पहन लो। मैरिड अनमैरिड नो प्रॉब्लम, वुमन मेल नो प्रॉब्लम, वेयर इट इन योर राइट हैंड, इट विल वर्क एज मैजिक। लेकिन ये बात है, लोगों के जो धागे होते हैं वो पीले से सफेद होते, सफेद से काले होते, धागे
धागा नहीं उतरता, धागा उतार दो भैया, उसको मिट्टी में दबा दो, नया धागा बना लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। एक और चीज जबरदस्त सी बता रही, कल आरिका मैम ने क्या बताया, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो, आरिका मारवा अंडरस्कोर अंतर्मन हीलिंग और शाइना सेठ अंडरस्कोर ऑफिशियल, एक से बढ़कर एक चीज बताएंगे। एक और चीज बताती हूँ, भागना शुरू कर दो। एक और चीज बताती, जैसे हम ये एट बनाते हैं ना, एट एट, ये एट है, करेक्ट है, एट को उल्टा हल्दी से अपने पैरों के नीचे तलवों पे ऐसा सिंबल बना दो, हिम्मत नहीं रहती, भटकनी कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये ना मैं कुछ टाइम में आपको साइंटिफिकली समझाऊंगी, साइंटिफिकली कि कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है जहां पर हर चीज टूट गई, लेकिन ये वाला सिंबल ये आपको बताने के लिए बताया, इसलिए ये मत देखो पाशा लोगों, ऐसा सिंबल इन्फिनिटी का जो प्लेसेस के बाहर ये सिंबल बना हुआ था, वो तस से मस नहीं हुई हजारों साल पहले की बिल्डिंग है। ये एक पावरफुल सिंबल है, हल्दी से अपने तलवों के नीचे पैर, जैसे ये पैर है, पैर के इधर बनाओ इसका सिंबल हल्दी से, आप खुद देखोगे आपकी जो जिंदगी की जो भटकनी है, छू मंतर, क्योंकि उसके साथ साथ हम और भी उपाय कर रहे हैं, ये भी उपाय आपने कंटिन्यूटी में करने, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है पाशा लोगो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो, सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।